स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सर्वसम्मति से चुने गए। बजट से पहले स्पीकर ने विधायक दल की बैठक बुलाई। नियम के हिसाब से इस बैठक में आने के लिए जो चिट्ठी भेजी जाती है वो विधायक दल के नेता के नाम आती है, पर चिट्ठी आई सीपी सिंह के नाम। सीपी सिंह ने बैठक में जाने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर स्पीकर के विधायक दल की बैठक में चिट्ठी सीपी सिंह के नाम। सीपी सिंह का बैठक में जाने से इनकार। नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिलेगी बाबूलाल को मान्यता? चूंकि विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी चुन लिए गए, वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जाना मेरा उचित नहीं। इस बात में दर्द भी है और नियम कायदा भी है। दर्द ये है कि बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने कंघी के सहारे कमल को मुरझाने की कोशिश की, आज कमल को सहारा देने वाली डंडी बन गए हैं। और सीपी सिंह जो 6 बार से रांची विधानसभा में कमल खिला रहे हैं, हर कठिन घड़ी में कमल को अपने खून से सींच रहे हैं, आज स्पीकर की बैठक में चिट्ठी तो उनके नाम पर आती है पर नियमानुसार वो खुद को इस बैठक में जाने से रोकते हैं। उनका कहना भी ठीक है कि पार्टी ने जब सर्वसम्मति से बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना है तो भला वो स्पीकर के विधायक दल की बैठक में क्यों जाए। संचालन है तो प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे बुलाया गया। चूंकि मैं देखा उसमें डेट देखा, 24 तारीख के डेट में इश्यू हुआ है, लगता है कल आया होगा, लेकिन मेरी नज़र रात में 11 बजे पड़ी है। तो चूंकि विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी चुन लिए गए, वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में जाना मेरा उचित नहीं। बाबूलाल मरांडी तकनीकी रूप से जेवीएम के विधायक, बीजेपी के नहीं, लेकिन बाबूलाल मरांडी की जेवीएम का विलय बीजेपी में किया जा चुका है। अब इस विलय के बाद वो बीजेपी विधायक दल के नेता हो सकते हैं या नहीं, ये तो संवैधानिक पेचीदगी की बात है। पर प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलनी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का निर्णय है कि बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता हैं। विधानसभा अध्यक्ष को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको आमंत्रित करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष होंगे या नहीं, इस पर तो फैसला स्पीकर को लेना है, लेकिन बाबूलाल बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, क्या इस सवाल पर भी पेचीदगी हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। राजेश कुमार, News 11 भारत, रांची। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर है, सीधे उनके पास चलेंगे। राजेश जी, जिस तरह से विधायक दल की बैठक में नेवता दिया गया है सीपी सिंह को, उन्होंने इनकार कर दिया, और बीजेपी ने पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना था, पूरा कंफ्यूजन है। देखिए, कंफ्यूजन इस कारण से है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक 24 तारीख को हुई है, जिसमें बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना गया है, और उसी दिन यह पत्र निर्गत होता है विधानसभा सचिवालय से स्पीकर के माध्यम से कि सर्वदलीय बैठक, विधायक दल जो नेता होते हैं उनको बुलाया गया है। तो ऐसे में ये सीपी सिंह को उन्होंने निमंत्रण दिया है कि इस बैठक में वो भाग ले भाजपा के ओर से, क्योंकि आपको याद है कि विशेष सत्र हुआ था, उस समय 3 लोगों की एक कमेटी बनी थी जिसमें सीपी सिंह थे, नीलकंठ सिंह मुंडा थे और अनंत ओझा थे। इन तीनों को विपक्ष के रूप में अपनी बातें रखने का पत्र दिया गया था। अब विधानसभा सचिवालय के पास यही है कि ये तीनों में से कोई एक है, तो सबसे सीनियर मोस्ट सीपी सिंह है, तो उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया जाए। लेकिन सीपी सिंह ने इस बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सचिवालय को ये पत्र दे दिया गया है कि बाबूलाल मरांडी उनके दल के नेता हैं, इसलिए वो नहीं जा सकते, और इसकी एक प्रति प्रदेश अध्यक्ष
अब कल जो बैठक होने वाली है उसमें बीजेपी के तरफ से सीपी सिंह नहीं जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है और इसकी सूचना भी दी है। अब देखना होगा कि इस आज की तारीख में क्या कुछ निर्णय हुआ स्पीकर के द्वारा कि जो एक पत्र दिया गया था 24 तारीख को कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हैं उस पर कंसीडरेशन होता है या नहीं होता है या उसकी एक प्रक्रिया करके ही स्पीकर इस पर निर्णय ले सकते हैं। यदि स्पीकर पर निर्भर करता है तो फिलहाल यही स्थिति है कंफ्यूजन की। जी तौर पर अब स्पीकर पर निर्भर करता है कि आगे क्या कुछ होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।